હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી એક વખત ઇનાયત બાવરાની વ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. વાગ્યા છે અત્યારે સવારના 6:30 અને અમે છીએ ફતેપુર સિકરી. હજી પાછળ અમે બસ પાર્કિંગ કરી છે, નાઈ અને ફ્રેશ થઈ પછી ફતેપુર સિકરીની અંદર સલીમ ચિશ્તીની બારગાહમાં જશી અને ત્યારબાદ કિલ્લાની અંદર જોવા જશી. નાસ્તો કરી અને ફ્રેશ થઈ પછી જાશી અમે ફતેપુર સિકરીની અંદર સલીમ ચિશ્તીની બારગાહમાં સલામ પેશ કરશી અને ત્યાર પછી જાશી આપણે આગ્રા. નહીં ને, થઈ ગયા છે તૈયાર. દિવસ છે આજે 4th અને જાય છીએ અત્યારે નાઈને ફ્રેશ થઈ અને ફતેપુર સિકરી પેલેસની અંદર. આ પાછળ બે અમારી રિક્ષા છે અને આ ભાઈ અમે ગાઈડમાં રાખ્યા છે. હા, અમારા ફેમિલી મેમ્બર આ રિક્ષામાં એક આવે છે અને હું બેઠો છું અહીંયા બીજી રિક્ષાની અંદર અને જાય છે ફતેપુર સિકરી સલીમ ચિશ્તીની દરગાહે. અને દરગાહે જઈ બધાને માટે સબસ્ક્રાઈબર માટે દુઆ કરીશું અને બધાની માટે દુઆ કરીશું અને માનતા આપણે ઉતારવા જઈએ છીએ. પછી ત્યારબાદ જાશી અમે આગ્રા. તો દોસ્તો, આ વિડીયો અને આ વ્લોગ આખો જોજો. સારો લાગે તો લાઇક, કોમેન્ટ, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અભી આપ લોગ યહાં આજે દેખને, આપ લોગ એ જગા કા નામ હે ફતેપુર સિકરી. ફતેપુર સિકરી જી, ફતેપુર યે હે સિકરી એક ગાંવ હે. હાં, તો દોનોં કો મિલાકર બોલતે હૈ ના કમ્બાઈન મેં ફતેપુર સિકરી. ऐसे ये लंगर खाने थे इस टाइम के, यहाँ गरीबों को खाना खिलाया जाता था. तो वहाँ छाए में रुकेंगे, फिर आपको सारा हिस्ट्री बताएंगे. आ बदा लोग हमारी साथ आवे छे ढलान અને ઢાળ વધારે છે અને એક ભાઈ છે અમે જેમને ગાઈડ રાખ્યા છે અહીંયા. ये नया शहर बसा है फतेहपुर का, देखा. पहले इस गांव का नाम था फतेहगढ़. सबसे पहले यहां मुगल आए थे, बाबर. बाबर ने जगह को जीता. जीतने के बाद इसका नाम दिया फतेहपुर सिकरी. फतेह मीन्स विजय. चूँकि मुगलों में अपने जो वली थे वो औरंगजेब थे और दूसरे शाहजहाँ थे जो पांचों वक्त के नमाजी परिजी थे. वो तो जंगल के अंदर जो दीवार नज़र आता है ना लाल वाला आपको, वो किले का दीवार है. जाने के 10 किलोमीटर के एरिए में था, 9 गेट थे. यहाँ से लग्जरी अंदर एंट्री किया आपका, वो गेट का नाम था आग्रही गेट. यहाँ से आते थे अकबर. बाकी 8 गेट थे पब्लिक के लिए. इसके अंदर जाने के 2 एंट्रेंस हैं. आगे इसका बड़ा गेट है जिसको कहते हैं बुलंद दरवाज़ा. वहाँ से आती जाती थी पब्लिक. ये गेट का नाम था बादशाही दरवाज़ा. जाने के अकबर और अकबर की 3 बेगम थी. पहली थी मुस्लिम जिसका नाम था रुकैया बेगम, जिससे 13 साल की उम्र में अकबर ने पहली शादी की थी. चूँकि रिश्ते में अकबर की बहन थी वो चचेरे चाचा की लड़की. 14 साल की उम्र में वो यहाँ के राजा बने, जिनकी हाइट 5 फीट 4 इंच थी. कलर सांवला था. लेकिन अकबर के 9 मिनिस्टर थे जिसमें 5 हिंदू थे, 4 मुस्लिम और सबसे खास और माइंडेड आदमी था बीरबल, जो MP का रहने वाला था, जिसका असली नाम था महेश दास. तो दिन जुमे के अकबर अपनी 3 बेगम के साथ इसी गेट से अंदर एंट्री करते थे. लेकिन अकबर ने जोधा को मरते टाइम तक इस्लाम कबूल नहीं कराया था. ना ही कोई दबाव था, ना प्रेशर था. तो जोधा केवल दरगाह शरीफ पर दीदार किया करती थी हाजिरी और अकबर नमाज पढ़ा करते थे. तो जाने से पहले हम लोग वहाँ अपने जूते उतारेंगे, क्योंकि आप तो अपने वाले हो. यहाँ गैल लोग भी मज़ार पर आते हैं. अंदर मज़ार अकबर के पीर और मुर्शिद शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की है, जिनकी दुआ से अकबर को यहाँ एक बेटा मिला. यहाँ से अकबर को बेटा नहीं मिलता तो ये फतेहपुर सिकरी किला नहीं बनता, ना ही आगरा में ताजमहल, क्योंकि वो अकबर के पोते शाहजहाँ ने बनाया. जाने से पहले जूते उतारेंगे आप लोग. सीधे पैर से लोग अंदर एंट्री करते हैं, राइट पैर से. और आज का दिन भी लकी है, जुमरात, जो हजरत की बारगाह में आप लोग आए. तो पहले हम जूते रखेंगे, फिर अंदर चलेंगे आप. और आप पब्लिक आती थी जहाँ से आप आए. दिन जुमे के अकबर आगरा रहते थे, आगरा से यहाँ आते थे नमाज अदा करने. सामने मस्जिद शरीफ है, यहाँ 5 वक्त की नमाज अभी भी होती है. गांव के अंदर 21 मस्जिद है
जाने की ईदगाह हमारे यहाँ का ही। ये मीनारों के अंदर यहाँ लाइट की नहीं है, लोग जलाते थे कैंडल है, क्योंकि मुगल टाइम यहाँ लाइट नहीं था। ये रूमों के अंदर यहाँ चलते थे मंदिर से जाने के, बच्चों को यहाँ तालीम दी जाती थी, दीनी तालीम। अभी जो आपने अपना गाड़ी पार्क किया यहाँ से मार्केट और पार्किंग हटाकर वहाँ बना कर दिया है, यहाँ 200 मीटर में कोई कारोबार अलाउड नहीं है अभी। तो यहाँ खास लोग आते हैं मज़ार पर, जैसे अकबर की तीनों बेगम से कोई बच्चा नहीं था, और औलाद से बढ़ के खुशी दुनिया में कुछ होती नहीं है। तो अकबर काफ़ी वलियों की दरगाह पर गए, जब अकबर को बच्चा नहीं मिला तो लास्ट में वो गए थे अजमेर शरीफ, वहाँ जाकर भी उन्होंने एक रात मुकाम किया, रुके वहाँ पर। तो वहाँ अकबर को एक बशारत हुई जाने के दुआ कि आपको बेटा इनकी दुआ से मिलेगा। तो यहाँ से अजमेर शरीफ पड़ता है ना 350 किलोमीटर, पहले अकबर अजमेर शरीफ से यहाँ पर 6 मरतबा पैदल चलकर आए, नंगे सिर और नंगे पांव आकर इनसे एक मुलाकात की। तो इन्होंने अकबर को यहाँ से वापस कर दिया कि आपके नसीब में औलाद नहीं है। तो हजरत के एक बेटे थे, चूँकि हिंदुस्तान के वजीर आलम ख्वाजा गरीब नवाज, वहाँ से किरनल को बच्चा मिला था, तो अकबर को ही मिल सकता था, लेकिन हुक्म यहाँ से था। जब यहाँ से 6 बार वापस किया, बगल में इनके बच्चे की दरगाह है, ये लाल वाली, 6 महीने की उम्र में कोई बच्चा बोलता नहीं है, इनके बेटे बोलना सीखे। और इन्होंने हजरत से बात की कि बाबा हम फ़कीर आदमी, ये यहाँ का बादशाह शहंशाह अकबर, आप दुआ कीजिए इनके हक में बेटे के लिए। तो इन्होंने कहा बेटा अकबर को औलाद तब मिलेगा, किसी को अपना पर्दा फरमाना होगा, जाने के जान के बदले जान। तो इनके बेटे ने अपनी कुर्बानी दी, तब अकबर को एक बेटा मिला हिंदू रानी जोधा से, 30 अगस्त 1569 बेटा लाकर अकबर ने हजरत के कदमों में डाल दिया। तो हजरत का नाम था ना शेख सलीम चिश्ती, इसलिए बेटे का नाम दिया गया सलीम, प्यार में कहा जाता था शेखू बाबा, राजा बना जहांगीर यहाँ का बादशाह। तो बेटे की खुशी में अकबर ने इस इमारत को बनाया, जाने के 25,000 कारीगरों ने काम किया, 13 साल इसको बनाने में लगा, टोटल किला 450 साल पुराना है। अगर बेटा नहीं मिलता तो पोता नहीं होता जो ताजमहल बनता। लाल पत्थर से इसलिए बनाया क्योंकि अकबर को यहाँ से मिला एक लाल, लाल के माने औलाद। तो ये लाल पत्थर लाया गया राजस्थान कोटा से, जिनकी मज़ार है, इनके ख़ानदान के लोग अभी यहाँ जाने के जिंदा हैं, मज़ार जिनकी है। ये ऑफिस है सामने भी इनका, टोटल 8 लोग हैं वो लोग जिनके हैंड ओवर ये जगह, इसलिए यहाँ सरकारी टिकट नहीं लगता। जैसे आप ताजमहल जाओगे तो वहाँ 250 रुपये एक आदमी का आपका टिकट लगेगा। जैसे लोग हमारे यहाँ मज़ार पर जाते हैं, जैसे आप अजमेर शरीफ होकर आए, वहाँ लोग पैसा मांगते हैं, रसीद काटते हैं, फ़कीर बैठते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ जो लोग चादरें पेश करते हैं वो वापस आती हैं दुकानों पर, यहाँ लोग जाते हैं, पहले जाते हैं बच्चे लोग, इसके बाद मियाँ बीवी मिलकर जोड़े से सीधे पैर से, हाजिरी देने के बाद वहाँ से आपको पीट करके नहीं निकलना है। हमारे यहाँ कोई सोने का चांदी का पैसे का दान नहीं होता, पहले वहाँ अपना अपने परिवार से लोग चादर पेश करते हैं, कपड़े की चादर के ऊपर गुलाब के फूल, चादरें चढ़ने के बाद गरीबों को बांटी जाती हैं, जिसका पैसा गरीब बच्चों के मदरसे में जाता है। चादर से टच करने के बाद अभी भी लोग यहाँ जो भी मुराद करते हैं, तो एक बंदा यहाँ पर 3 मुराद करता है, जाने के पढ़ाई का, लिखाई का, बिजनेस का, शादी का, औलाद का, कारोबार का, लाइफ का, एजुकेशन का, बेटे की नहीं है, बेटी की नहीं है। तो बाबा की दुआ से यहाँ मुरादें 100% पूरी होती हैं, लेकिन मुराद किसी को बताते नहीं है, मियाँ बीवी अपनी मुराद एक दूसरे को बोल सकते हैं, मन्नत अपने लिए भी कर सकते हैं, जो लोग नहीं आए उनके लिए भी आप कर सकते हैं। मन्नत पूरा होने के बाद यहाँ धागा खोलने नहीं आते दोबारा, हजरत के नाम से अपने घर पर 2 गरीबों को खाना खिला देते हैं। तो अल्लाह ने आपको इस लायक किया, पैसा खाने में, पीने में, घूमने में 1,00,000 रुपये खर्च किया कर जाओगे, यहाँ से लोग देकर नहीं लेकर ही जाते हैं, और करते अपनी अपनी खुशी से, इसमें एक दूसरे को मना नहीं करते हैं। जैसे आपने एक पिक्चर देखा हिंदी परदेश, शाहरुख खान महिमा चौधरी का, वो लास्ट में गाना और फाइट इसी जगह हुआ, पिक्चर यहाँ बना परदेश, यतीम, लाल पत्थर, मुगले आजम, गर्म हवा। अभी यहाँ अलाउड नहीं करते क्यों, कि शाहरुख खान जूते पहनकर अंदर आ गया था, इसने अभी बंद कर दिया है। अभी यहाँ 3 पिक्चर और बना, जोधा अकबर, मेरे ब्रदर की दुल्हन, बजरंगी भाईजान, वो इसके पीछे का शूटिंग है। तो पहले हम देखेंगे अनारकली का सुरंग, बिगल लाइट का AC, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा गेट है भाईजान, जाने के इसकी जो ऊंचाई है वो 154 मीटर है, इससे ऊंचा दरवाज़ा दुनिया में कहीं नहीं है। मोबाइल तो कॉमल है, दुनिया लेकर आती है, लेकिन जो ये लोग यहाँ के फोटोग्राफर हैं, जब तक आप घूम कर आएंगे फ़ोटो बना कर दे देते हैं, पैसा बाद में लेते हैं,
क्योंकि मेन मेन जगह खींचेंगे, आपको दिखाएंगे, जो आप बोलेंगे वही बनकर आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गेट बुलंद दरवाज़ा है, ये बाबा चिश्ती की दरगाह है। इस फोटो में ये मस्जिद के साथ में आती है। इस फोटो में हम लोग ये तीन बिल्डिंग, इस तरफ जो कबर बनी है ये हजरत के परिवार वालों की है। जाने के किसी का भी इंतकाल होता है तो इनको याद अपनाते हैं। किसी कबर पर पैर नहीं रखना, बिगर लाइट का इसी देखेंगे आप। अभी सामने जो बिल्डिंग है इसको कहते हैं जमात खाना, जाने के यहाँ रुकते थे आने वाले मेहमान। कब्रें बनाई बाद में तीन बेगम अकबर की, जोधा, रुकैया, मरियम। एक दो तीन ये दीवारों को अंदर से रखा था पोला, जाने के खाली था पूरा। इसके पीछे एक पानी का झील था, आर्टिफिशियल लेक। ठंडी हवा चलने के बाद यहाँ से पास होती थी तो वो पत्थर के कूलर थे, एसी। बिल्डिंग को कहते थे हवा महल, क्योंकि बिल्डिंग रहता था ठंडा। ये गुप्त रास्ता है, वैसे आगरा यहाँ से पड़ता है बाई रोड 40 किलोमीटर। ये शॉर्टकट रास्ता था 25 किलोमीटर का, क्योंकि अकबर नहीं चाहता था कि मेरा बेटा एक नौकरानी से शादी करे, तो यहाँ अनारकली को खड़ा किया गया। यहाँ एक दीवार उठाई, पीछे से निकाला आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर। सलीम की शादी अकबर ने करा दी थी नूर जहाँ से, तब इन्हें कश्मीर पहुँचा दिया। वहाँ गार्डन था ना, नूरजा गार्डन। बाद में सलीम और अनारकली जब मिले तो इन लोगों ने अपना कबर बनाया पाकिस्तान के अंदर। पहले पाकिस्तान इंडिया में था, तो ये टूटने की वजह से अभी इसको बंद कर दिया है भाई साहब, क्योंकि 450 साल हो गए। तो ये गुप्त रास्ता था ये। और ये देखें आप पत्थर के कूलर इधर, एक दो तीन, दीवार के अंदर हाथ डालकर देखो आप, पूरा अंदर से कोला है। पीछे एक झील था, ठंडी हवा यहाँ से आती थी। इसी बिल्डिंग को कहते थे, तो ये पूरा बिल्डिंग रहता। 432 साल पुराने दरवाजे हैं, पत्थर के पूरे एक ही पीस के अंदर थे। बिल्डिंग को कहते हैं जनाना रोजा, यहाँ लगते थे, लेकिन टूटने की वजह से इनको अलग हटा कर रख दिए। और वो दरगाह पर जो छोटा गेट दिख रहा है ना आपको, खिड़की वाला, वो जोधा के आने जाने का रास्ता था। छोटा इसलिए बनाया क्योंकि जोधा एक राजपूत थी, तो राजपूत लोग अपना सर किसी के आगे नहीं झुकाते ना। अभी इस गेट से अंदर कोई भी एंट्री करेगा सभी को झुकना पड़ेगा, तो झुकने पर एक हजरत का अदब होता था। अभी इसको रमजानों में जब उर्स होता है तब खोला जाता है। इधर आइए, मजार पर जाइए। जोधा ने सुबह बच्चों को तालीम दी जाती है, दिनी तालीम अभी भी देते हैं। मदरसे की तरफ से फूल लियाज का सामान की दुकान है, जो आधा पैसा गरीब बच्चों की हेल्प में जाता है। तो इनके जो खानदान के लोग जिंदा है अभी, परिवार के लोग, वो लोग यहाँ बैठते हैं। ये ऑफिस है, इनका भी आएंगे। ये मजार को अकबर ने बनाया था लाल पत्थर से। 1605 अकबर का इंतकाल हो गया पेट की प्रॉब्लम की वजह से। 1611 में जहांगीर यहाँ का राजा बना, तब इनको मालूम हुआ मैं इनकी दुआ से हूँ पैदा, तो मैं भी इनके लिए कुछ करूँ। लाल पत्थर को हटाकर सफ़ेद बिनों ने किया 1611 में। 56 तरह की जालियाँ हैं, अलग अलग डिजाइन है। मजार पर जो काम दिया वो चंदन की लकड़ी के ऊपर सीप लगाया, सीप जो होता है ना मोती। 8 साल लगा था सेटिंग करने में, 7 लाख रुपये कीमत थी आज से 450 साल पहले। कलर वाइट होता, लाइट पड़ने पर 7 कलर चेंज करता है वो, जो अभी भी है। अंदर आप जाएंगे, पहले जाएंगे बच्चे लोग, इसके बाद जाते हैं मियाँ बीवी जोड़े से, सीधे पैर से। हाजिरी देने के बाद आपको पीट करके नहीं निकलना है वहाँ से। अपने मोबाइल से अंदर आप फोटो ले सकते हैं। हमारे यहाँ बताया ना मैंने आपको कि सोने का, चांदी का, पैसे का दान नहीं होता। ये हजरत की पोती का मजारे बाजू में, बच्चे वो हैं साइड से जिन्होंने आपका कुर्बानी दी थी। पहले दीदार यहाँ करते हैं, फिर इनके बेटे की दरगाह पर। पहले पेश करते हैं चादर, ऊपर गुलाब के फूल। टच करने के बाद धागा बांधते हैं, एक गांठ पर एक मन्नत, दो पर दो, तीन पर तीन। मियाँ बीवी मिलकर यहाँ 6 मुरादें करते हैं। बच्चे लोग जो मुराद करते हैं अच्छी लाइफ, अच्छी पढ़ाई के लिए, वो दिल में रखते हैं। मुराद पूरा होने के बाद इनके नाम से 2 गरीबों को खाना खिला देते हैं। तो यहाँ से लोग देकर नहीं, लेकर ही जाते हैं अपनी अपनी खुशी से। प्लेन जो चादरें लोग चढ़ाते हैं वो गरीबों को बांटी जाती हैं, परिवार के नाम से चढ़ा कर जाते हैं बांटी नहीं जाती हैं। वो आपकी निशानी वहाँ 40 दिन तक चढ़ा रहेगा। आने वाले मेहमान बिस्कुट चूमते हैं, पुराना होने के बाद बिस्कुट ताबीज बनाकर हजारियों बीमार बच्चों को दे दिए जाते हैं, तो इसका लाभ ज़्यादा होता है। तो पहले आप हाजिरी देंगे, इसके बाद हम सारा घूमेंगे। और इस तरीके से अंदर ये मजा रहेगा। ये देखिए हजरत, जिन पे रुमाल है वो रुमाल डाल लो, नहीं टोपियां अंदर मिलती हैं फ्री। ये हजरत के खानदान के लोग जिंदा हैं अभी।
काफी लोग आते हैं यहाँ पर। ये फ्रांस के राष्ट्रपति जो डॉक्टरों ने मना कर दी थी, 50 साल की उम्र में यहाँ से इनको एक बेटी मिली थी। सीधा पैर अंदर रखते हैं, पहले यहाँ पेश करते हैं चादर, ऊपर गुलाब के फूल, यहाँ डोरा बांधते हैं, करते अपनी अपनी खुशी से, इसमें कोई साझा एक दूसरे को मने नहीं करते। और जिनको बाबा बुलाते हैं दोबारा तो किसी की ताकत नहीं है, एक कोई भी धागा खोलकर अपनी चादर पे वहाँ छोड़ देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा देख लीजिए आप अपने अपने जोर से। सब लोग थोड़ा सा पत्थर के दरवाजे देखें आप, 432 साल पुराने गेट है ये दरवाजे। पहले यहाँ लगे हैं, इसी जगह थे। ये हजरत के बेटे का मजार, क्योंकि मैंने आपको बताना है मजार है चार, लेकिन मेन मजार है दो, हजरत और हजरत के बेटे। ये नहीं बोलते अकबर को बेटा नहीं मिलता। ये इमारतें, ताजमहल, लाल किला कुछ नहीं बनता, क्योंकि मुगल कैपिटल दिल्ली से ही ख़त्म हो जाता। सीधा पैर रखेंगे, जो मुराद आपने वहाँ की है ना हजरत की बारगाह में, वही अर्जी आप यहाँ लगाएंगे। जाने के एक मन्नत का धागा दो जगह बांधते हैं। यहाँ से अपना धागा रुमाल ले लो आप, फिर आप दीदार करेंगे। ये मस्जिद का मेन पार्ट है, यहाँ नमाज अभी भी अदा की जाती है। वो इमाम साहब की जगह है। ये झूमर अकबर के वक्त सोने का था, जाने के अंग्रेज लोग उतार कर ले गए, तामे का टांग गए। तीन साइड में कुरान की आयत है, सोने का पानी है, जो आयत लिखी है। इसकी ऊंचाई 80 फीट का है। जाल को इसलिए लगाया, बिल्डिंग कमजोर हो गया है ना, अभी पत्थर जो गिरते हैं इसी जाल के ऊपर आके गिरते हैं, ताकि किसी नवाजी के ना लगे। पेंटिंग सारा ओरिजिनल है, चाइनीज पेंटिंग है, 432 साल पुराना। जैसे आप अंदर आए ना, दिन जुमे के अकबर अपनी तीनों बेगमों के साथ यहाँ नमाज अदा करते थे। और ये जुदा काम है, मंदिर का जाने के जोधा का जो उल्टा करके लगाया मंदिर का होता है ना। ये मुस्लिम जो कुरान शरीफ की आयतें हैं, वो जो राउंड है वो किरसिल दीन इलाही, जो बरेली शरीफ से अकबर पर फतवा लगा दिया गया था। वहाँ औरतें नमाज पढ़ा करती थी, पर्दे में पर्दा सिस्टम, ये मर्दों के लिए था। और ये 6 गेट हैं, देखने पर ऐसे लगते ना छोटा और बड़ा, लेकिन दरवाजे एक ही साइज के हैं सारे। ये हमारे गाँव का ईदगाह है, यहाँ अकबर को बेटा मिला था ना जोधा से, ये मिला। ये अकबर के टाइम के पोस्ट ऑफिस थे, जाने के कबूतर यहाँ से लेकर जाते थे चिट्ठियाँ, ट्रेलिंग दिया गया था इनको। यहाँ से मुस्लिम भाई पीदे रमजान चांद देखा करती थी, हिंदू रानी व्रत खोलती थी, कृष्ण बीवी करती थी सूरज की पूजा। यहाँ से यूपी खत्म होने के बाद लगता है राजस्थान बॉर्डर। ये गोल बिल्डिंग जो अभी टूट गया है नीचे में, अकबर और जोधा के चेस खेलने की जगह, जाने के लीडो, लेडीज लोग को ड्रेस बनाकर यहाँ शतरंज खेला करते थे वो लोग। ऐसा सेम अभी सीकरी के अंदर भी है। साइड में था तकसाल, क्योंकि अकबर का दूसरा नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन। यहाँ सर्दियाँ बनती थी, यानी कि सिक्के। वहाँ लेडीज मार्केट लगता था, मीना बाजार। ये जो मीनार बना है ना कांटे वाला, छतरी वाला, ये हाथी का कब्र है। जाने के अकबर के टाइम जो लोग गुनहगार होते थे, गुनहगारों को हाथी पैर से दाब के मार दिया करता था। हाथी मरने के बाद इसकी कब्र वहाँ बना दी। ऊपर जाने के लिए लेना पड़ते हैं 7 चक्कर, जैसा हिंदू धर्म में होता है ना, शादी के लिए 7 चक्कर लिए जाते हैं। बीच जमाने में वहाँ कोई हाथ पकड़ के चढ़ जाया करता था, वहाँ शादी मानी जाती थी। तो अभी भी लोग जाते हैं वहाँ शादियाँ करने, क्योंकि ऊपर जाते जाते हो जाते हैं 7 चक्कर। और ये किला अकबर ने यहाँ बनाया था पहले, देखो। पहले ये किला बनाया, इसके बाद ये दरगाह इमारत पूरी बनी है। यहाँ अकबर को बेटा मिला था जोधा से, 30 अगस्त 1569। बेटा एक, नाम 3, सलीम, शेखू और जहांगीर। साइट में था दीवाने आम, दीवाने खास, जो सीकरी में भी है, दिल्ली के लाल किले में भी है। यहाँ दरबार लगता था। वो जो बिल्डिंग बनाए ना ऊपर जाली वाला, वहाँ अकबर और रुकैया बैठकर सपने देखा करते थे, इनके ख्वाब देखने की जगह थी वो। इसी के अंदर जोधा का मंदिर था, जो सीकरी के अंदर देखेंगे आप, राधा कृष्णा की मूर्ति थी। वहाँ जो बॉडीगार्ड थे वो कर्नल थे, जेंट्सों को मर्दों को परमिशन नहीं था अंदर जाने का। 16 साल अकबर ने यही राज किया। पानी की दिक्कत की वजह से शहर को छोड़कर वो आगरा चले गए। लाल पत्थर से इसलिए बनाया क्योंकि अकबर को यहाँ से मिला एक लाल, लाल के माने औलाद। तो ये लाल पत्थर लाया गया राजस्थान कोटा से। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा गेट देखेंगे आप, आइए आ जाइए। इस जगह अंदर से है खाली, यानी कि पोला है पूरा। ये पूरा गेट पिलरों के ऊपर सपोर्ट किया है,
ये दरवाजे के नीचे आप लोग खड़े हैं, बुलंद दरवाजा है। बुलंद के माने ऊंचा, दरवाजा माने गेट। चौड़ाई 90 फीट की है। गेट की सीढ़ियाँ हैं 52। पार्किंग से हाइट 176 फीट है, यानी कि 154 मीटर। और यहाँ से आप खड़े हैं 134 फीट का है, यानी कि 134 फीट। तीन साइड में कुरान शरीफ के 16वें पारे की आयत है, जिसका नकल करके लगाया ताजमहल पर। पहले ये बना, इसके 100 साल बाद ताजमहल। तो अभी दरवाज़ा देख कर आइए बाहर से आप लोग, तो पीछे सीकरी किला आप जाना चाहें तो जाइए। ફતેપુર નો કિલ્લો જોઈ લીધો છે અને હઝરત સલીમ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ અલયની દરગાહ પાછળ જોવો છો, જે ત્યાં આપણે સલામ પણ પેશ કરી દીધા છે। અને હવે જાય છે આપણે સિકરી મહેલની અંદર। આપણે ફતેપુરની અંદર ગાઈડ પણ રાખ્યો હતો અને બધું વિસ્તારથી સમજાવ્યું, પણ સારું એવું મેં વ્લોગમાં તમને બતાડ્યું છે। જો તમને સારો લાગે તો શેર કરતા રહેજો વિડીયોને, અને સારો લાગે તો લાઈક કોમેન્ટ અને શેર કરતા રહેજો।